तो गाइस एक बहुत ही ज्यादा यूनिक एंड नया तरीका बताऊंगा आपको इंस्टाग्राम से पैसा कमाने का, इवन बहुत ज्यादा पैसे कमाने का। अगर आप 5 से 6 क्लाइंट बना लेते हो तो $1,000 से भी ऊपर कमा सकते हो, और डिपेंड करता है आप पे, आपकी सर्विस पे, कि आप कैसे काम करते हैं। प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखना, अगर कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आप इंस्टाग्राम से बहुत अच्छा अर्निंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए। और इस वीडियो में आपको बहुत सारी भर भर के इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ, तो लेट गेट स्टार्टेड। So my name is T and I'm the best in the world as you know all guys and you are watching online money। तो guys आज हम लोग बात करने वाले Instagram के ऊपर, एक Instagram का बहुत ही newly method जो आपको काफी ज्यादा पैसा अर्न करके दे सकता है। तो मैं आपको जो चीज सिखाने की कोशिश करूंगा, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तब आप उस चीज को समझ पाओगे एंड आप उस चीज को अप्लाई कर पाओगे। कैसे क्या करना है मैं आपको पूरा डिटेल में बताता हूँ और ये बहुत ही ज्यादा ईजी है। सो सबसे पहले आपको मेरी प्रोफाइल दिख रही होगी, यहाँ पर आपको मेरे प्रोफाइल पे क्या दिख रहा है। फर्स्ट जो चीज मैंने लिखा है वॉरियर, नेक्स्ट जो है मैंने लिखा है बिजनेस एडिक्ट। ठीक है, इसका लिखने का मतलब क्या है, मैं यहाँ कुछ और भी डाल सकता था। मैं लिख सकता था आई एम एंटरप्रेन्योर, आई डू बिजनेस, आई डू डिजिटल मार्केटिंग लाइक दैट, ला 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 ला, बहुत सारी चीजें यहाँ लिख सकता था। ओके, अब देखना आजकल क्या होता है कि ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है वो इंस्टाग्राम पे नहीं दिखाई देती है। ठीक है, इंस्टाग्राम में ऊपर के ही 2 लाइन बस दिखाई देते हैं, बाकी सब हाइड रहते हैं। सी मोड पे जब आप क्लिक करते हो तो सारी चीजें दिखाई देती है इन योर मोबाइल। ठीक है, आप प्रैक्टिकल इस चीज को करके देख सकते हो। ओके, सो ये तो चीज दैट इज कॉल्ड हुक। हुक यानी जो आपके लोगों को, जो आपके प्रोफाइल पे विजिट करते हो उनको मजबूर करती है आपके प्रोफाइल को देखने की। ठीक है, वो सी मोर पे क्लिक करते देखते हैं, हुक दैट इज कॉल्ड हुक। ठीक है, सीक्रेट हुक, सीक्रेट नहीं ये हुक है। ओके, हुक मतलब नीचे जाके मतलब क्यूरियोसिटी पैदा करना और लोग उसको जाके देखें कि ये बंदा और नीचे क्या लिखा है। बिजनेस एडिक्ट मैं लिख सकता है, बिजनेस मैन, बिजनेस वॉट एवर मैं लिख सकता है, बहुत सारी चीजें लिख सकता है, लेकिन मैंने लिखा है बिजनेस एडिक्ट, यूनिक वर्ड। ओके, बिजनेस एडिक्ट वॉरियर एंड बिजनेस एडिक्ट दैट इज कॉल्ड हुक। तो लोग क्या करेंगे, वो लोग आपके नीचे आए, आपके प्रोफाइल पे और नीचे आएंगे, सी मोर पे क्लिक करेंगे और आपके बारे में पढ़ेंगे, और दैट इज कॉल्ड ये क्या है, ये एक्शन। ठीक है, कॉल टू एक्शन, जब लोग इस पे क्लिक करेंगे तो मैं जो भी उनको ऑफर दे रहा हूँ वो उस पे ड्राइव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन। तो ये दो चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड उसके बाद आपको पता है क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। पोस्ट इंपॉर्टेंट है, पोस्ट रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कैसी पोस्ट डालना है, कैसा हैशटैग यूज करना है, कैसे डिस्क्रिप्शन यूज करना है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। तो इसलिए मैं ऊपर की दो चीजें बता रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड गैरी वेंचर। बहुत ज्यादा फेमस बंदा है ये और आपको पता होगा इसके बारे में, बहुत ही बड़ी पर्सनालिटी है डिजिटल मार्केटिंग में। तो गैरी वेंचर का जो आप देख सकते हो कि प्रोफाइल में क्या लिखा है, सबसे पहली जो 2 लाइन है वो क्या लिखे, इन्वेस्टर फेसबुक स्नैप एंड वीमो और उबर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट लाइन बंदे ने लिखी ये लास्ट में भी डाल सकता था। ठीक है, और ऊपर लिख सकता था आई एम एंटरप्रेन्योर एंड लाभ 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 अपने बारे में बता सकता था, लेकिन इसने क्या किया कि फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, इन्वेस्टर फेसबुक स्नैप वीमो एंड उबर, 3 बड़ी कंपनीज का नाम क्यों डाला है, दैट इज कॉल्ड हुक। कि बंदे जो भी यहाँ विजिट करें वो इनके 2 लाइन या इनके 1 लाइन से खुश होके और भी नीचे विजिट करें और चीजों को देखें। और दूसरी जो चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट्स कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको आज दिखा रहा हूँ। अब नेक्स्ट जो प्रोफाइल है दैट इज कॉल्ड टाई लव्स। ठीक है, अब इनका जो हुक क्या है, इनका हुक है आई गिव अवे कैश कार लैपटॉप। ठीक है, लोग आते ही सोचेंगे मैं भी जीतने की कोशिश करूं, ठीक है मैं भी इसको कैसे विन करूं, तो लोग आते ही ये चीज सोचेंगे, तो ये भी एक हुक है। और फिर नीचे आपको मिल जाएगा कॉल टू एक्शन। ठीक है, और बाकी चीजें मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा हूँ, जो प्रोफाइल मेंटेन करते हैं, हैशटैग और डिस्क्रिप्शन लिखना, कब फोटो डालना है, शेड्यूल ही, क्योंकि ये सारी चीजें मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जो थर्ड प्रोफाइल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड डैन लॉक प्रोफाइल। डैन लॉक का भी आपको पहला लाइन दिख जाएगा, द किंग ऑफ हाई टिकट सेल्स। अब जो भी एंटरप्रेन्योर है, सेल्समैन है या कोई भी है, वो पहली चीज ही पढ़ के इनसे खुश हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड द किंग ऑफ हाई टिकट सेल्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट द कॉल टू एक्शन, और इन्होंने बहुत कम चीजें लिख के रखी हैं। तो ये सब जो लोग हैं इनके पास क्या है, इनके पास है सोशल मीडिया मैनेजर जो इनके प्रोफाइल्स को मैनेज करते हैं और जिनको पता है कि ये सारी चीजें कैसे काम करती है। ओके, ये लोग तो खुद ही डिजिटल मार्केटर भी हैं और डिजिटल फील्ड में भी है, तो इनको भी ये सारी चीजें पता है, लेकिन और अच्छे से डीपली मैनेज करने के लिए ये खुद मैनेज नहीं करते हैं, इनके जो लोग होते हैं वो मैनेज करते हैं, बिकॉज ये लोग बहुत ज्यादा बिजी हैं। ठीक है, तो आप भी ये चीज कर सकते हो नॉर्मल लोगों के साथ कैसे, अब मैं और आपको आगे दिखाता हूँ। तो गाइज ये एक ब्रांड है,
ठीक है, गिब्सन और लुक कुछ भी ऐसा नाम है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉल टू एक्शन नहीं है, ठीक है, प्रॉपर ढंग से पिक्स को अपलोड नहीं किया गया, ना ही उसमें अच्छे से हैशटैग यूज किया गया, ना ही उसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन यूज किया है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। लेकिन आप किसी और के प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पूरा डिस्क्रिप्शन यूज किया गया और बहुत अच्छे से यूज किया गया। अभी मैं दिखा दूँ गैरी का ही, तो आपको यहाँ इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ दिख जाएगा, कॉल टू एक्शन दिख जाएगा, एंड बहुत सारी चीजें दिख जाएंगी, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीज़ें मेंटेन की जाती हैं, प्लस इनके कमेंट्स में इनका हैशटैग्स भी मिल जाएगा, और सेम हियर जो मैं भी ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पर देखो ये पूरी चीज़ें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी, यहाँ मेरा कॉल टू एक्शन दिख जाएगा, कमेंट में पूरे हैशटैग दिख जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग नहीं करते, ओके, ना यहाँ हैशटैग है ना कुछ है, आप देख सकते हो बस एक सिंपल फोटो, और ये एक ब्रांड है मेरे दोस्त, ठीक है। मैंने खुद पर्सनली बंदे से बात की है, बंदी से बात की है, ये एक ब्रांड है, किसका, ब्यूटी प्रोडक्ट का ब्रांड है। ना तो यहाँ कॉल टू सॉरी ना तो यहाँ हुक है, कॉल टू एक्शन है, इट्स ओके, बट यहाँ हुक नहीं है, प्रॉपर चीज़ों को मैनेज नहीं किया गया है। तो आप इनको एक ऑफर दे सकते हो कि आई एम डिजिटल मार्केटर एंड आई कैन हैंडल यूअर प्रोफाइल, ठीक है, और आप चार्ज कर सकते हो $50 to $100। यस, अगर बाहर के लोगों से आप $50 to $100 मांगोगे, चार्ज करोगे उनके बस प्रोफाइल को देखभाल करने के लिए, हैंडल करने के लिए, तो वो इजी दे देंगे, और यहाँ पर भी आपको इजी मिल जाएगा, वो मैं बताता हूँ कैसे। अब जो नेक्स्ट प्रोफाइल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कोई माया अधिकारी करके हैं, 201K फॉलोअर, 200K फॉलोअर, आप समझ सकते हो 2 लाख के ऊपर, ना कोई कॉल टू एक्शन है और ना ही कोई हुक है यहाँ पर, आप देख सकते हो। तो कितना ज्यादा पैसे ये बंदी मिस कर रही है, आप समझ सकते हो कितना ज्यादा पैसे, और एंगेजमेंट भी काफी अच्छा है, तो आप समझ सकते हो ये बंदी कितना ज्यादा पैसा मिस कर रही है। तो अगर आप इसको ऑफर दोगे, आप इसको मेल करोगे या आप इसको मैसेज करोगे और ऑफर दोगे कि आप इसका अकाउंट जो है वो 3,000 से 7,000 रुपए में मंथली संभाल सकते हो, ठीक है। शुरू में आपको कम चार्ज करना है, बाद में आप $500 भी चार्ज कर सकते हो, और इजी लोग देते हैं, आप पूछ सकते हो किसी भी सोशल मीडिया हैंडलर से जो हैंडल कर रहा है बहुत सारे लोगों का अकाउंट, वो $50 से $100 इजी कोई भी दे देता है, और उसके ऊपर ऊपर वो $500 और $1,000 भी चार्ज करते हैं। तो आप उनको ये चीजें गिनवा सकते हो, ठीक है, कि आपके पास हुक नहीं है, आपके पास कॉल टू एक्शन है, तो ये सारी चीजें मैं आपको मैनेज करके दूंगा, और अपने अकॉर्डिंग आप उनसे चार्ज कर सकते हो, तो ये इजी देंगे। क्योंकि देखो 200 के फॉलोअर्स मतलब आप बहुत अच्छा खासा अमाउंट इनको कमा के दे सकते हो, अगर 1,000 भी फॉलोअर्स होते हैं तो उसमें भी आप $1,000 से $2,000 इजी निकाल सकते हो, यहाँ तो 200 के फॉलोअर्स, तो आप बहुत ज़्यादा अमाउंट कमा के दे सकते हो, तो उसमें से आपको इतना अमाउंट तो ईजी मिल जाएगा कि 7 से 10 हज़ार रुपये आपको एक अकाउंट हैंडल करने का मिल जाएगा, और दिन भर इसमें कोई काम करना नहीं है, आपको एक बार पूरा अकाउंट सेटअप कर देना है, दूसरी चीज़ आपको बस इनको प्रोफाइल शेड्यूल बता देना है, और कभी कभी अगर ये आपको परमानेंट रखेंगे तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चार्ज कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे लोग कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ आप ही नहीं हो, ये यूनिक मतलब इतना भी यूनिक बिजनेस नहीं है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, बहुत ज्यादा इजी है। नेक्स्ट प्रोफाइल मैं आपको दिखाता हूँ, मोनालिसा करके, 26K फॉलोअर्स, नो कॉल टू एक्शन, नो हुक, ठीक है, इंगेजमेंट बहुत ही अच्छा, और 1 रुपए भी ये इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं कमा रहे, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा पोटेंशियल है, जहां आप इनसे डिमांड कर सकते हो कि आप इनके हैंडल्स को हैंडल करोगे, आप इतना लाखों रुपए इनको कमा के भी दोगे, और आपको सिर्फ उसमें से इतना पैसा चाहिए। चलो, अगर इन केस आपका लक सही नहीं रहा, आपने बहुत सारे लोगों को अप्रोच किया और आपको वहां पर उतना पैसा नहीं दिया जा रहा है, चार्ज नहीं किया जा रहा, तो आप उनके लिए फ्री में काम करो, जब आप उनकी एक दो सेल निकलेगी, जब आप उनको सजेस्ट करोगे कि ये चीज आप सेल करो, यहाँ पर कॉल टू एक्शन लगाओ, अगर एक दो सेल निकलेगी वो खुद ही इंप्रेस होकर आपको हमेशा के लिए परमानेंट भी रख सकते हैं, ठीक है, वहां आप बहुत अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन बेस अर्निंग कर सकते हो, तो ये काफी ज्यादा ईजी है। 26K फॉलोअर आप देख सकते हो, 200K फॉलोअर्स आप देख सकते हो, तो देखो कितना ज्यादा मनी लूज कर रहे हैं ये, ऑन द टेबल छोड़ रहे हैं, तो बस आपको इनको गिनवाना है कि इनकी कमी क्या है। यहाँ देखो अमन सिंह अवरिक कोई भी है, ठीक है, अमरप्रीत सिंह विर्क, ओके, सिंह विर्क है, अमन सिंह विर्क हैं जो, तो इन ये क्या है, ये मॉडल एक्टर है, इन्फ्लुएंसर, और इनको खुद ही नहीं पता कि सोशल मीडिया पे काम कैसे होता है, इन्फ्लुएंसर हो के नहीं पता, तो आप ऐसे लोगों को आराम से बोल सकते हो कि सर आई कैन हैंडल योर अकाउंट, ठीक है, मैं कॉल टू एक्शन लगाओ यहाँ पर, ये कॉल टू एक्शन में क्या है, 6.4 फिट क्या है, एक्टर मॉडल इन्फ्लुएंसर क्या है, लोग क्यों फॉलो करें आपको, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें बताना जरूरी है, हुक देना जरूरी है, कॉल टू एक्शन देना जरूरी है, पोस्ट को मैनेज करना जरूरी है, इतना
ज्यादा फॉलोइंग होने के बाद भी ये बहुत ज्यादा जो पैसे हैं वो ऑन द टेबल छोड़ रहे हैं, ठीक है। 91K फॉलोअर्स और ये ब्रांड है, ठीक है, ना तो हुक है ना ही यहाँ पर कॉल टू एक्शन है। तो ऐसे करके आपको भी रिसर्च करना है, ये देखो यहाँ पर भी ना तो कॉल टू एक्शन है ना ही हुक है, ठीक है। और इनके जो फॉलोअर है वो आप देख सकते हो 13.8 मिलियन, 13.8 मिलियन पैसों की बाढ़ से आ सकती है इस अकाउंट से। ये सब अकाउंट्स जो है इनसे पैसों की बाढ़ आ सकती है। आप इनको इतना कमा के देख सकते हो कि ये आपको $500 भी देने से पीछे नहीं हटेंगे। तो ये बहुत ज्यादा इजी काम है गाइस, बस आपको अप्रोच करना है, उनको गिनाना है कि ये कितना पैसा ऑन द टेबल छोड़ रहे हैं और इनके पास क्या क्या कमी है जो आप फुलफिल करके दे सकते हो। अब इसके बाद जब आप ये लोगों को मैसेज कर दोगे तो आपको कुछ टूल्स की जरूरत है, ओके, कुछ टूल्स की आपको जरूरत है, दैट इज कॉल्ड डिजिटल टूल्स, ओके। डिजिटल टूल्स मतलब वो टूल्स जिनसे आप इनको कॉल टू एक्शन बना के दोगे, वो टूल्स जिनसे आप इनके अकाउंट्स मैनेज करोगे, और वो टूल है जिसका नाम है बहुत ज्यादा अंडररेटेड है, दैट इज कॉल्ड बिल्डर। बिल्डर में आपको वो सारी चीजें मिल जाती हैं जिनसे आप इनका लैंडिंग पेज बनाओगे, जिनसे आप इनका पोस्ट मैनेज करोगे, पोस्ट एडिट करोगे इन HD क्वालिटी, इनकी वीडियोज, जो आप जितना सर्विस आप दे रहे हैं, तो सारी चीजें मतलब 100 से भी ज्यादा फीचर हैं बिल्डर में। और इवन आप उसका एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो, साइड बाय साइड उससे भी अर्निंग कर सकते हो। तो उसका जो पूरा डिटेल है वो आपको नीचे मिल जाएगा। बस मैं यहाँ पर एक आइडिया दे रहा था आपको कि आप बिल्डर टूल का यूज कर सकते हो, जिसको आप $29.9 या $49.9 रेगुलर बेसिस पे ले सकते हो, ठीक है। पहले आप क्लाइंट बना लो, और या तो आप पहले से ही बिल्डर को लेके उससे बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर सकते हो। नीचे आपको दो वीडियोज मिल जाएंगी जो आपको बिल्डर का बोनस बताएंगे और बिल्डर के बारे में, बिल्डर का जो प्लान है वो बताएंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको करनी है, लोगों को बस मैसेज करना है, उनको अप्रोच करना है कि उनका क्या क्या कमी है और आप क्या क्या उनको प्रोवाइड करा सकते हो, कि उनसे काफी ज्यादा बेनिफिट्स उनको होगा, कि वो कैसे एफिलिएट कर सकते हैं, चीजों को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, चाहे वो स्टोरी हो चाहे कुछ भी हो, और सारी चीजें मतलब आप बता सकते हो। और अगर आपको और भी मतलब इस चीजों में डिटेल में जाना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो ऑन फेसबुक और मैं या इंस्टाग्राम में, मैं आपको एक एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दूंगा जिसका मैं चार्ज करता हूँ। 1 घंटे की एक्स्ट्रा ट्रेनिंग मैं दूंगा जिसका मैं चार्ज करता हूँ, और वहां मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम को आप कैसे हैंडल कर सकते हो अपने क्लाइंट्स के लिए। और ये बहुत ही ज्यादा नॉर्मल बेसिक ट्रेनिंग रहती है, क्योंकि मैं बेसिक ही ट्रेनिंग देता हूँ। अगर मैं ज्यादा हाई क्वालिटी की ट्रेनिंग दूंगा तो मैं ज्यादा चार्ज करूंगा, लेकिन मैं वो चीज नहीं मानता, क्योंकि इंडिया में भी काफी लोग ऐसे हैं जिनको बेसिक नहीं पता। तो मैं बेसिक ट्रेनिंग्स देता हूँ जहां आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे करके लोगों का इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल कर सकते हो, और डीपली मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे चीजों को ट्रेस करना है, और 1,000 सिर्फ 1,000 फॉलोइंग में भी आप हजारों डॉलर जनरेट कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम। और ये मैं कर रहा हूँ, और मैंने कई बार इसके प्रूफ्स भी दिए हैं, और आप भी कर सकते हो। आप बहुत सारे लोगों के अकाउंट हैंडल कर सकते हो और उनसे हजारों डॉलर चार्ज कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया। बस आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा अप्रोच करना पड़ेगा और उन क्लाइंट्स तक पहुंचना पड़ेगा। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, इस चीज को अप्लाई करो, बस देखने के लिए नहीं है। मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट ऑडियो वीडियो में, एंड इसी तरह चैनल पर बने रहो। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, और अगर ये थोड़ा सा सेंस, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा सेंस है इसमें, तो कमेंट करो और मुझे अप्रिशिएट करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, जय हिंद।